इंडिया में कश्मीर में लोग जैसे कि सिक्स को सिकस बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि ये लोग स्लीप को सलीप बोलते हैं। अभी अभी भाई ने बोला आई गो टू स्लीप, स्लीप 6 AM, गुड गुड गुड। भाई साहब से हमारी बात चली है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, ये उधर से, इन द पास्ट आई वॉज वर्किंग एट अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड बट द वर्क वॉज हार्ड सो आई स्टॉप्ड वर्किंग एट द हॉस्पिटल। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। ร่างกายไม่ค่อยไหวก็เลยต้องหยุดงานโรงพยาบาลแล้วก็มาขับรถแท็กซี่तो यहां पे ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं सबसे। My body was not able to move, so I had to stop working at the hospital and drive a taxi. So welcome back to the channel. तो मैं फुकेत से वापस बैंकॉक आ चुका हूँ। आज रात की मेरी फ्लाइट है कोलकाता की, और कोलकाता से यहाँ पे मैं बाय बस आया हूँ, और फुकेत बस टर्मिनल 2 से मेरे को वहाँ से बस मिली थी, और बस का फेयर था 1200 बाद। बैंकॉक से फुकेत जब मैं गया था तब भी मैंने 1200 बाद ही दिए थे, और अभी भी उतने ही दिए। ऑल दो आपको 750, 800, 900 तक में भी आपको यहाँ से बसें मिल जाएंगी बैंकॉक से फुकेत, फुकेत से बैंकॉक। उसमें बस की कैटेगरी अलग अलग है, 1200 वाली जो है वो फुल लग्जरी है। कि जब आप बैंकॉक से फुकेत जाने वाले हो या फुकेत से बैंकॉक आने वाले हो, आप एक दिन पहले जाके ऑनलाइन या तो जाके बस टर्मिनल पे टिकट ले लो, या तो फिर ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हो। आप सीधा सर्च करो कि बैंकॉक टू फुकेत बस, वहाँ पे थाईलैंड की बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जिससे आप बस बुक कर सकते हो। वहाँ से वापस अभी हम सुखमवीत नाना प्लाजा वाले एरिया में आ गए हैं, एंड दिस इज़ आर फेवरेट कैफ़े हियर। यहाँ पे हम बहुत आते हैं, बहुत बैठते हैं, तो आने के बाद फिर से अभी यहीं पे आया हूँ मैं। धर्मेंद्र भैया अभी तैयार व्यार हो रहे हैं, वो भी आने वाले हैं, मैं आके बैठ गया हूँ पहले। तो आज लास्ट डे है चुकी है, वहाँ पे थोड़ा सा जो भी हो सकता है टाइम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा, तो जो भी है शाम के 6-7 बजे तक घूम पाऊँगा मैं वो करूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ से मैं अभी रामा ब्रिज देखने जा रहा हूँ, वो शाओफेयर रिवर के ऊपर वो ब्रिज है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है, तो मैं वो देखने जा रहा हूँ। तो एक दिन ही हम बैंकॉक में उधर की साइड पे रुके थे, बाकी फिर हम इधर ही आ गए थे, तो तब से यहाँ पे हम आ रहे हैं। और मैंने ऑलमोस्ट अपने थाईलैंड की जर्नी में सारी चीज़ें आपको बताई दी है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताने के लिए। और हो सकता आप कुछ चीज़ें दिमाग से निकल गई होंगी, तो मैं एक बार वापस से पूरा चेक करूँगा, और जो भी चीज़ें मिस हो गई होंगी उसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो इन बैंकॉक की गलियों में आज लास्ट डे है इस बार, अगली बार मैं वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए बहुत ही सेफ कंट्री है, और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं, इसलिए पहले इंडियंस के लिए यहाँ पे 1 महीने का 15 दिन का वीज़ा हुआ करता था, अब यहाँ पे इंडियंस के लिए 1 महीने का वीज़ा है। तो आप वीज़ा नॉन अराइवल लेते हो तो 1 महीने तक आप रुक सकते हो। तो अच्छा है यार, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आके यहाँ पे घूमो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टे वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो फूड भी यहाँ पे मेरे को बहुत सही लगा। इंडियन फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी अगर आप थाई फूड ट्राई करोगे, 7-Eleven ट्राई कर लो, 7-Eleven से चीज़ें खरीद सकते हो खाने के लिए, तो वो आपको बहुत ही रिजनेबल और बजट में आएगा। आप इंडियन फूड जब ऐसा हो कि एकदम ही नहीं कुछ समझ में आ रहा और मन नहीं हो रहा है, तो फॉर अ चेंज आप इंडियन फूड खा लो। बट थाईलैंड आ रहे हो तो ऑफकोर्स थाईलैंड थाई फूड ट्राई करो यार, आपको मज़ा आएगा। थाई फूड इतना ही बुरा नहीं है, और थाईलैंड के लोग बहुत हेल्पफुल हैं यार, वो भले आपकी बात नहीं समझेंगे लेकिन आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी यार, और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक बाला इंटरनेशनल ट्रिप था तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था कि पता नहीं कैसा जाएगा, बट ये ट्रिप जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने। टूरिस्ट को लोग यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जिस बस से हम आए थे फुकेत से बैंकॉक, उस बस वाले ने हमारे को बियर तक ऑफ़र किया था। ड्राइवर ने पहले हमसे बात करी कि आप कहाँ से, हमने बताया कि हम इंडिया से हैं, फिर वो बियर ला के दे रहा था हमें, लेकिन हमने बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं पीना। तो बहुत स्वीट लोग हैं यार, एक्चुअली दिस इज़ लैंड ऑफ स्माइल। तो 7-Eleven से मैंने ये 3 परफ्यूम लिया है किसी को गिफ्ट करने के लिए, और जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड ट्राई कर लो, ऐसे वाले स्ट्रीट फूड से यहाँ बहुत मिलते हैं और मेरे को काफ़ी पसंद भी है, बट 10 बार पूछ के कन्फर्म करके ही खाना के चिकन कौन सा है इसमें। चिकन विच वन इज दिस इज चिकन हाँ कम हियर कम हियर Which one is chicken? How much for one? 10 baht. This is for 10 baht? Okay, this is for 10 baht. And this one? 30 baht. And I'm sure this is chicken, na? Chicken wing. Okay.
तो ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, इसको मस्त बीबीक्यू करके देते हैं। और हाँ, बट आप पहले दो चार बार इनसे कंफर्म कर लेना कि ये चिकन ही है। बाय द वे ये चिकन ही है। बढ़िया। बाकी यहाँ पे क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसको तो मैं रहने ही देता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो फ्रूट्स है, बाकी यहाँ पे भी वही सारा चिकन का आइटम है जो मैंने पीछे ट्राई किया है। यहाँ पे भी सारे के सारे सॉसेज हैं। मैं आपको फटाफट से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो जो वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो इंडियंस के लिए एक महीने के लिए है। अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो 13,000 भात आपको वहाँ से कैरी करना है, 2,000 रुपये नॉर्मल लेन का चार्ज है, 2,200 भात जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए प्रायोरिटी लेन का चार्ज है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रायोरिटी लेन में 200 भात ज़्यादा दे दो, क्योंकि फिर वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधा स्टैंप लगा के आपको भेज देंगे, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप मेक माई ट्रिप से ले सकते हो, मैंने भी मेक माई ट्रिप से ही लिया था, उस पर ऑप्शन आते रहते हैं, जितने दिन का ट्रिप होते दिन के हिसाब से आप ऑप्शन वहाँ पे ले सकते हो। आपको टूरिस्ट सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा, डीटेक का नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है, तो मैंने डीटेक का ही सिम लिया था। 299 में 8 डेज के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थाई करेंसी ही चलती है, थाई करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं चलती है। आप चाहे तो आप वहाँ से 13,000 भात कैरी करो, और उसके बाद यहाँ पे आप डॉलर कैरी कर सकते हो, वहाँ इंडिया से आप डॉलर कैरी कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको एक्सचेंज करा सकते हो। डॉलर कैरी नहीं करना है तो आप नियो ग्लोबल कार्ड आप इंडिया से लेके चल सकते हो। नियो ग्लोबल कार्ड एक फॉरेक्स कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री, उसका कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है। उसका एक ऐप आता है, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें पैसे भरो, और उसके बाद ATM आपके एड्रेस पे, उसका जो कार्ड है वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। बहुत अच्छी मेमोरीज लेके मैं वापस इंडिया जाने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इंडिया कोलकाता पहुंच चुका हूं, और कल रात में यहां पे 12:30 में हम अपने होटल पहुंच गए थे। और बड़े तो थाईलैंड की ट्रिप बहुत अच्छी रही। और आपको एक चीज़ बता दूं कि एयरपोर्ट पे वापस से हमारे को लगेज का 1400 भात एक्स्ट्रा देना पड़ा था, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 3,500 के करीब। मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि जब आप फ्लाइट्स बुक करो तो चीपेस्ट फ्लाइट अगर आपको दिखे तो आप एक बार जरूर ये ज़रूर चेक कर लेना कि उसमें लगेज इंक्लूडेड है कि नहीं। तो एक बार फिर से बता दिया है। चलो, ओवरऑल जो है थाईलैंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मूथ रही ये ट्रिप। कुछ प्लेसेस पे हमारे को पता ना होने की वजह से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर दिया, बट ओवरऑल ठीक है यार। पहला एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल ट्रिप का, तो वो अच्छा ही रहा। तो पूरी सीरीज़ में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी थाईलैंड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी आगे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा बजट आइटिनरी को लेके, स्कैम्स को लेके, या फिर जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।